This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। अगर आप कोरोना काल में नौकरी खोज रहे हैं या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो फिर आपको कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये मुकाबला कोरोना के बाद बदलते जमाने की नौकरियों को तलाशने का तो होगा ही, साथ ही इन नौकरियों को पाने के लिए इंटरव्यू में होने वाले बदलाव का भी होगा। दरअसल अब कंपनियां वर्चुअल हायरिंग को तवज्जो दे रही हैं, ऐसे में उनके पास ज्यादा उम्मीदवारों में अपने काम के लोगों को चुनने का विकल्प मौजूद है। ये उम्मीदवार किसी भी लोकेशन पर हो सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत के चलते ये कहीं से भी काम कर सकते हैं। जाहिर है अब कर्मचारियों को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना होगा और कंपनियों की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना होगा। ऑनलाइन का ये दायरा कितना बड़ा है इसकी असली तस्वीर का अंदाजा हुआ है मर्स एंड मेटल की हालिया रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक 81% कंपनियों ने कोविड के दौरान भर्तियों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है। इस तरीके से कंपनियों का भर्ती प्रक्रिया में न केवल कम समय लगा बल्कि खर्च भी कम हुआ। इसके जरिए उन्हें दुनिया भर से बेस्ट कैंडिडेट चुनने का मौका मिला। हालांकि सर्वे में खुशखबरी ये भी निकल कर आई है कि 2020 में नौकरियों में कटौती होने के बाद 2021 भर्तियों का साल रहेगा। इसके मुताबिक भर्तियों का लेवल प्री कोविड स्तर पर पहुंचने का पूरा भरोसा हायरिंग मैनेजर्स को है। सर्वे में शामिल 60% कंपनियों ने नए पदों पर भर्तियां करने की मंशा जताई है। सर्वे में शामिल 53% कंपनियां प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी रोल के लिए हायरिंग करेंगी। 39.42% कंपनियों ने ऑपरेशंस और 39% कंपनियों ने सेल्स रोल में हायरिंग करने की इच्छा जताई है। यानी नौकरियों के मौके भी भरपूर हैं और नौकरी खोजने के लिए खुद को साबित करने की चुनौती भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब देखना यही होगा कि कोरोना का कहर कितनी जल्दी खत्म होता है, जिससे कंपनियों के सामने अब कोई नई चुनौती ना आए और लोगों को भी रोजगार के लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े।